बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को पसंद आ रही है हमारा ट्रेलर, हमारे गाने. बहुत ही मतलब कभी कभी रिएक्शंस देखते तो हम खुद रो पड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत टेंशन होती है. बहुत पता है कैसा, पता नहीं, डर लगता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. अभी अच्छा वो नहीं, फिल्म को देख मिलियंस के, ऑफ व्यूअर ओ फिल्म फिल्म को पर देख के आई होप सबको पसंद आए. सानिया डर लग रहा है जी मेरे लिए भी बहुत. नहीं, हमने हम दोनों का लॉन्च है ये, और मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ और ऐसा बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क विद आमिर सर, टू वर्क विद नितेश सर, साक्षी मैम, एंड फिर विद फातिमा ऑल्सो. कॉस मेरे तो काफ़ी खुशी होती है और देखती हूँ कि जब लोगों को अच्छा लग रहा है ये सब. यानी ट्रेलर देख के यूट्यूब पे तो मैं पहली बार रो पड़ी थी, अब गाने देख के रिएक्शंस पे रो पड़ती हूँ. तो मैं तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन में आमिर सर को देख. मैं रोती नहीं हूँ, बेसिकली ये रोती है और मैं ये मुझे कंसोल करती एक ही रोते, तो ये दोनों साथ में रोते और मैं इन दोनों को आमिर सर और संभालती मैं हूँ, साथ में रोते हैं और ये मैं संभालती संभालती हूँ. हाँ, साथ में ही साथ होता. नहीं होता. और एक्चुअली ये भी गीता का ऑडिशन दे रही थी. तो मैं बबीता प्ले कर रही हूँ, पर मैं काफ़ी टाइम तक गीता का ऑडिशन में, मैंने ऑडिशन गीता का देने से स्टार्ट करा था. हाँ, जी. तो और मैं तो गीता का ही दे रही थी. पर हमारा ऑडिशन चला 1.5 मंथ हाँ, और काफ़ी सारे उसमें स्टेजेस थे का सिक्स एक्टिंग टू करना सेवन पड़ा. पहले वर्कशॉप्स हुई मुकेश छाबड़ा सर और नितेश सर नितेश के सर के साथ, साथ. फिर उसके बाद फिर हमारा एक दिन उन्होंने टेस्ट किया कि हम भागते हुए कैसे लगते हैं और अगर जिम जिमिंग करते करेंगे हुए. कैसे तो कैसे लगेंगे. उसके बाद हमारा आमिर सर जो है उनके साथ हमारे सीन्स उनके साथ हुए थे, तो हमारा उनके साथ ऑडिशन हुआ. उसके बाद जो कृपा शंकर बिश्नोई सर है, जो हमारे कोच है फिल्म में, जिन्होंने हमें रेसलिंग सिखाई है, उन्हें देखना था कि हम रेसलर्स लगते हैं या नहीं. तो जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा, उन्होंने बोला आप चाहते हो कि ये रेसलिंग करे, मुझे नहीं लगता, ये बहुत पतली है, इससे रेसलिंग नहीं हो पाएगी. एक्टिंग शायद कर लेगी बट रेसलिंग का पता नहीं. तो उन्होंने बोला कि मुझे रेसलिंग का ऑडिशन करना पड़ेगा. हम सबको, यानी हम सबको 5-6 लड़कियां थी जो शॉर्टलिस्ट हुई थी. हाँ उसके बाद हम लोगों ने 2 हफ्ता रेसलिंग किया और शाम को हम जिम जाते थे. तो तीन वैसे घंटा 1 महीना तक हमारा, 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम तक हमारा ऑडिशन चला. और उसके बाद हमें, हम दोनों को बुलाया साथ यहीं में पे और बुला गया था, इधर ही बुलाया. और यहीं आमिर सर, किरण मैम, नितेश सर और टीम ने हम सबको ये न्यूज़ डिस्क्लोज करी कि हम लोग मूवी में. हमारा शूट डेट बहुत बाद में था, तो हमें तो पहले रेसलर के लिए, रेसलिंग करने के लिए एक प्रिपरेशन करनी थी, जो ट्रेनिंग. ट्रेनिंग करनी थी. तो सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग में घुसना पड़ा. बट जब भी हमें मालूम पड़ा कि हमें फिल्म मिली है, हम लोग तो पूरे ब्लैंक हो गए, क्योंकि दो हम हफ्ते तक दो हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे को तो नहीं था. खाना खाना नहीं, पीना खाना तो बहुत खाया खाना खाना नहीं छोड़ते. काफ़ी खाया बट ब्लैंक इसलिए थे कि विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें ये मूवी मिल मूवी गई मिल गई है. और इतने टाइम से हम ऑडिशन दे रहे थे ना, 1.5 महीने से. तो अगर ऐसी कोई न्यूज़ मिलती तो ऐसे लगता है कहीं छीन ना जाए. और जब भी आपको कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है और आपको चाहिए, जी जान कर आप जोड़ लेते हैं वो चीज़ के लिए, और अगर जब वो मिल जाती है तो आपको डर लगता है कि वो मेरे हाथ से ना निकल जाए. तो मुझे लगता है हम दोनों को ये डर था कि मिल तो गई है लेकिन क्या ये असली में मिली है, जब तक तो शूटिंग नहीं होगी तब तक. तब तक ये था कि कहीं हमसे कोई ये ले ना ले. बहुत स्टक, क्योंकि हमने उनकी सारी फिल्में देखी ना बचपन में, ऐसा लगा था ओह माय गॉड. और कॉफी विद करण पे आना तो काफ़ी, एक तो मेरे सारे दोस्त तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे. तो मेरे को सबसे मैसेज आया, सबसे कॉल आया कि कॉफ़ी हैम्पर तो तू भी लाना घर पर वरना वापस मत आना. तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था और थोड़ा नर्वसनेस भी था. हाँ, क्योंकि पहला ऐसा टाइप का शो है और हम सब यू नो हम दोनों बहुत एक्साइटेड है. हम जब इंटरव्यूज देते हैं ना, हम तब बहुत बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे हमारा इंटरव्यूज लिया जाए. तो काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ. बट वहाँ पे जाके जो भी नर्वसनेस था वो सब चला गया, क्योंकि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. हमारे छोरा छोरों से कम है. हाँ, तो और मतलब हरियाणवी में कुछ क्या बातें बोलूँ, क्या जानना चाहता है जो भी. आप यू क्या जानना चाहता है, वही तो पूछ रहे हैं. चलिए व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहिए, आप लोग कुछ कह रहे थे. मारी चोरी और चोरों से कम नहीं है और दंगल किसी मूवी से कम नहीं. दंगल प्लीज देखना दोस्तों, और हमारा काम पसंद करना. काम पसंद. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.